नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ यमलेश बंजारी और आज मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में आदिवासी समाज के द्वारा गोंडवाना साम्राज्य के राजा रघुनाथ शाह और शंकर शाह का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत आज मैं पहुंचा हूँ परसवाड़ा के ग्राम सलंग टोला में, जहाँ पर एक बड़ा आयोजन गोंड महासभा और गोंड युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से चल रहा है। आइए समझते हैं इस कार्यक्रम के मायने और किस तरह से ये कार्यक्रम आज सेलिब्रेट किया जा रहा है गोंड समाज के द्वारा, आदिवासी समाज के द्वारा। सीताराम उइके, आपने कार्यक्रम का आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का और क्या संदेश देना चाहता है आदिवासी समाज इस कार्यक्रम से? जी, सबसे पहले तो मैं सभी को सेवा जोहार करूँगा। यह जो आज कार्यक्रम आयोजन किया गया है, यह हमारे जो गोंड राजा रहे हैं, राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह मड़ावी जी, उनके 164वीं जो बलिदान दिवस है उसके उपलक्ष्य पर यह कार्यक्रम आयोजन किया गया है। और यह कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो समाज स्तर पर जो हमारे क्रांतिकारी वीर रहे हैं या जो अमर शहीद रहे हैं, उनका हमारे पाठ्यक्रमों में या उनका इतिहास कहीं से कहीं तक नहीं मिलता है। तो हम लोग लगातार अपने जो पुरखे रहे हैं या जो हमारे क्रांतिकारी जो वीर रहे हैं, उनको उनके बलिदान दिवस को, उनके जन्म दिवस को लगातार इसलिए मना रहे हैं ताकि उनको हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनमें हम अपनी पहचान छोड़ सकें, उनको हम जानकारी दे सकें कि हमारे राजा ये थे, हमारे पुरखे ये थे। इस तरह से हमारा एक मकसद है। क्या वजह मानते हैं कि देश में कई सारे क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों पर जगह मिली, लेकिन आदिवासी समाज से जो साम्राज्य के किंग रहे हैं और जिनको अंग्रेजों ने अपनी तोप से उड़ा दिया था, ऐसे राजाओं को, मतलब जो शहादत जिनका मनाया जा रहा है, उनको इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं किया गया, क्या वजह मानते हैं इसकी? मैं किसी व्यक्तिगत व्यक्ति या किसी पर्सनल किसी को तो नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें यूनिटी या एकता की कमी थी। और दूसरी बात ये भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रशासन हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो इतिहास हैं, कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों ऐसा लगता है आपको? ऐसा इसलिए लगता है कि आए दिन देखते हैं आप लोग न्यूज़ में कि जब किसी साथ में हमारे समाज की जब लड़की के साथ में बलात्कार हो जाता है, छेड़खानी घटनाएँ हो जाती है, तो वहाँ 20-20, 25-25 दिन, एक एक महीना तक के हो जाता है, तो प्रशासन वहाँ कोई एक्शन नहीं लेती है। तो इस तरह की जो कृत्य हो रहे हैं हमारे समाज के साथ में, उन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि प्रशासन भी कहीं ना कहीं हमारे विरोध में। सवाल आपसे जानना चाहूँगा, आदिवासी समाज एक बड़े पैमाने पर देश में इस समय आगामी जो आने वाला सेंसस है उसमें एक अलग कोड की मांग कर रहा है, ट्राइबल कोड की मांग, हो चाहे कोया पुनेम हो, चाहे सरना हो, चाहे डांगपांग हो, या फिर आपका गोंडी हो, इस तरह के एक कोड की मांग कर रहा है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, वाकई में ऐसा होना चाहिए? हमारे भारत देश में जितने भी धर्म हैं उनका एक कोड है, और हमारे पास कोड नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो समाज के लोग हैं अपने धर्म की अनभिज्ञता में, अज्ञानता में, वो इधर उधर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, स्थानांतरण हो रहे हैं। तो इसलिए हमारे समाज में कोर्ट की एक मतलब महत्वपूर्ण जगह है, इसलिए वो ज़रूरी है कि हम लोग जो आज डिमांड कर रहे हैं कई संगठनों के माध्यम से रहना चाहिए, ये हमारी मांग है, ताकि एक प्लेटफॉर्म में रहे हमारे समाज के लोग। एक विशिष्ट भाषा और विशिष्ट कल्चर की वजह से आदिवासी समाज को जाना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये समाज हाशिए पर है, इसको लेकर क्या कहेंगे? हमारा जो समाज है, स्वाभाविक सी बात है कि हमारा समाज विशेष संस्कृति, विशेष कला, विशेष भाषा के लिए जाना जाता है, लेकिन एकता की कमी और अखंडता, ये सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं हमको अलग कर देती हैं, और यही हमारा बिगड़ने का या फिर बिगड़ने का कारण बन जाती है। तो आप सुन रहे थे सीताराम उइके को, जो कि गोंड युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि जो भी समस्याएं आज विद्यमान है, कहीं ना कहीं उन्होंने टीका टिप्पणी करने से मना कर दिया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं उनकी एकता की कमी की वजह से ये सारी समस्याएं उनके साथ हो रही है। समस्या के निराकरण के लिए वे आगामी समाज को जागृत करेंगे, उनको विचारधारा के माध्यम से बदलने का काम करेंगे, कुछ इस तरह का तर्क और विचार उन्होंने रखा है। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर परसवाड़ा क्षेत्र के पूर्व विधायक मधु भगत भी शामिल हुए हैं। इनसे समझते हैं कि आखिरकार राजनीतिक क्षेत्र में होने के नाते आदिवासियों की जो समस्या है, उनको एक विपक्ष के नेता होने के नाते वे कैसे समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। मधु जी बताएंगे। निश्चित तौर पे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र और इस देश के अंदर इतनी बड़ी संख्या में आदिवासी हमारे बसते हैं, और एक आदिवासी इस नाम से शुरू होता है कि आदिकाल से ही इनका, इस जनजाति का इस देश के ऊपर बड़ा महत्व रहा है, और जल, जंगल, जमीन के जो मालिक हैं, जिसकी वजह से प्रकृति सुरक्षित है, निश्चित तौर पे इनके लिए तो सरकार कोई भी आए, कोई भी जाए, मगर इनके लिए जिस प्रकार से अभी कोर्ट की बात करी,
आदिवासी का एक संभाल कोड होना चाहिए जिसके ऊपर काफ़ी लंबित प्रकरण काफ़ी दिनों से चल रहा है और विगत में निरंतर और हमारी सरकार, हम तो विपक्ष में है, माननीय कमलनाथ जी के साथ हैं और कांग्रेस सरकार हमारी यहाँ 15 महीने की रही भी है और 17.5 साल से अभी तकरीबन शिवराज सिंह चौहान जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस देश के ऊपर भी पिछले 7 साल से बीजेपी की सरकार है। हम विपक्ष के तौर पे ये मांग करते हैं और हमेशा मांग रखते भी हैं, क्योंकि सरकार में हमको अवसर नहीं मिला है कि तो हम इस मुद्दे को बहुत ज़ोरदार उठाते। आपको लगता है कि जिस विचारधारा को लेकर काम कर रही है बीजेपी, उस विचारधारा के तहत इनकी मांगों को माना जाएगा कहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है और वो एक प्रकार का उद्योग नगरी से जुड़ा हुआ शासन है और आप देखते भी हैं कि आज की जो समस्या सबसे बड़ी है वो समस्या उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आज आदिवासी गरीब परिवार को कैसे उत्थान में लाएं, उनकी शिक्षा को और कैसे बढ़ाएं। आज वो बातें जरूर कर रहे हैं, आज 17.5 साल बाद उनके अंदर जागृति आई है और अमित शाह जबलपुर में एक राजा रघुनाथ शंकर हमारे जो हैं इनकी आज शहीद का दिवस मनाया जा रहा है और उसमें आदिवासी के लिए कुछ विचार मंथन चल रहा है। तो ये 17.5 साल से क्या कर रहे थे मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान जी? राजनीति के अंदर बहुत बड़ा दखल आदिवासी समाज का है। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि पिछले चुनाव में जिस तरह से आदिवासी वोट बैंक कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हुआ था उसकी वजह से अब उसको पुनः वापस अपने पाले में लाने के लिए मतलब प्रयास कर रही सरकार है और अमित शाह जी? निश्चित तौर पर ये बात उनके जहन में हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की, और होनी भी चाहिए क्योंकि उन्होंने अपमान हमेशा किया है और हमेशा से वो जातिगत की राजनीति और आरक्षण को दबाने की राजनीति करते हैं। देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अंतर्गत ये आदिवासी समाज जनजाति जितनी भी हमारी जो पिछड़ी जाति थी उनके लिए एक रिजर्वेशन नियुक्त करके रखा हुआ था, उसके ऊपर भी ये अभी तक उन्होंने कार्रवाई की नहीं। अभी जा करके 17.5 साल बाद उनको ये याद आया है कि 27% OBC के अंतर्गत SC के अंतर्गत आरक्षण और कैसे बढ़ाना। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि अगर ये बहुत जल्दी इन्होंने सुधार नहीं लाया और इस भारत की अखंडता को एकता में नहीं बदला और सभी जातिगत समीकरण को एक समान स्वरूप और जो पिछड़ी जाति उसका आरक्षण बरकरार नहीं रखा तो निश्चित तौर पे इस देश के अंदर पटांग बहुत होंगे। मैं ये मान के चलता हूँ कि इस प्रदेश के अंदर आदिवासियों को उनका मूल अधिकार मिलना चाहिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा कांग्रेस जब थी, जब जिस समय उनकी भूमि मूल जमीन जिसकी रक्षा की थी और आज वो मूल जमीन हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जिनके वजह से आज आदिवासी के पास जमीन सुरक्षित है। ज़्यादा राजनीतिक बात न करते हुए मैं आपसे संक्षिप्त में जानना चाहूँगा, आज का कार्यक्रम चूंकि सामाजिक था तो सामाजिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े है, जो आदिवासी समाज जो हाशिए पर है, मुख्य धारा से अलग है, उनके लिए क्या कुछ प्रयास रहेंगे विपक्ष के नेता होने के नाते? निश्चित तौर पर आदिवासी उत्थान के लिए हम इस प्रसवाड़ा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और आदिवासी समाज से हमारा अति लगाव है और कांग्रेस के प्रति इनका हमेशा से समर्पण की भावना इस परसवाड़ा में रही है। जरूर एक बार यहाँ पे विधायक जी धर्मू सिंह जी बने थे, लेकिन मूल धारा में समुद्र में चलने के लिए, साथ में रहने के लिए आपको बड़ी पार्टी का सहयोग हमेशा चाहिए, क्योंकि बट बट करके हम छोटे हो जाएंगे और जुड़ जुड़ करके हम बड़े हो जाएंगे और बड़े जो विचार हैं जो आदिवासी की संस्था को संभालती उसका नाम है कांग्रेस पार्टी। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं नहीं हो सकता, हम सब मिल करके आदिवासी के लिए कितना अच्छा उत्थान कर सकते हैं उसके ऊपर बात रखेंगे, शिक्षा के ऊपर आगे इनकी बात करेंगे, इनकी जमीन, इनके जल जंगल जमीन की रक्षा कैसे करनी है, इनका आरक्षण कैसे रखना है, इनके ऊपर जो अत्याचार अभी विगत कई वर्षों से जो निरंतर तेजी से हो रहे हैं, किसी को भी डर नाम की चीज़ इस समय नहीं है। तो पूर्व विधायक मधु भगत का कहना है कि जल जमीन जंगल का अधिकार जो आदिवासियों के मालिकाना अधिकार की ओर आगे बढ़ाता है और उनकी अलग संस्कृति और अलग भाषा को एक विशिष्ट पहचान आदिवासी कोर्ट के तौर पर मिलना चाहिए, हालांकि ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, सामाजिक कार्यक्रम था, इस वजह से हम ज़्यादा राजनीतिक बात न करते हुए आपको संक्षिप्त में बताना चाहेंगे कि आज के कार्यक्रम का मूल उद्देश्य था आदिवासी समाज को एकत्रित करना, उन्हें मोटिवेट करना अपने महापुरुषों के बलिदान के प्रति और उनके त्याग के प्रति, ताकि आने वाले समय में समुदाय जो है, आदिवासी समुदाय जो है, एकजुट होकर सत्ता के खिलाफ संघर्ष कर सके। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी।